जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, ये बार्सिलोना की जर्सी नहीं है। हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर ब्लॉग एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो यार गला थोड़ा ख़राब है जिसकी वजह से आवाज़ थोड़ी लो आ रही होगी, बट कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है क्योंकि व्लॉग तो बना नहीं है। तो वर्ल्ड कप हो चुका है ख़त्म एंड अर्जेंटीना जीत चुकी है वर्ल्ड कप। ऑल्सो बींग अ रोनाल्डो फैन, मुझे इंटरनेशनल सर्किट में अर्जेंटीना बहुत ही अच्छी टीम लगती थी बचपन से ही, मेरी फेवरेट टीम थी। द रीज़न बींग कि डेफिनेटली मेसी थे उसमें, फिर अग्वेरो थे, टेवेस थे, डिमेरिया थे, तो उसी वजह से आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी बिग सपोर्टर ऑफ अर्जेंटीना। बट पोर्टुगल गॉट एलिमिनेटेड इन द क्वार्टर फाइनल्स, तो देर वॉज ऑलवेज मेसी थ्रू आउट। बट ऑनेस्टली दिस वॉज द बेस्ट फुटबॉल मैच दैट वी हैव एवर विटनेस्ड, नॉट बिकॉज ऑफ अर्जेंटीना विनिंग द मैच, बट बिकॉज इस मैच में जितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आए वो देखने में बहुत ही मज़ा आया। ये वर्ल्ड कप बहुत ही स्पेशल थी बोथ मेसी एंड रोनाल्डो, क्योंकि ये उन दोनों के लास्ट वर्ल्ड कप थे प्रोबेबली, क्योंकि कंसिडरिंग देयर एज, फिर अभी 4 साल बाद नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक वो एक्टिव रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो भी नहीं पता। तो इन अ वे दिस वॉज लास्ट वर्ल्ड कप फॉर बोथ मेसी एंड रोनाल्डो, बिकॉज ऑफ विच दिस वर्ल्ड कप वॉज वेरी स्पेशल। एंड बहुत लोग उसी रीज़न की वजह से ये फीफा वर्ल्ड कप फॉलो भी कर रहे थे। नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम मेसी, ही हैज़ इट ऑल, वी ऑल नो वॉट ही इज़, तो इससे अच्छा ट्रिब्यूट मेसी के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। रिसेंटली मुझे थोड़ा कीड़ा चढ़ा है वॉचेस का। जब भी मैं जाता हूँ कहीं पे वॉचेस, प्रीमियम वॉचेस देखने एंड टू सी कि सेलिब्रिटीज ज़्यादातर जो फैशन में वो लोग कौन से वॉचेस खरीदते हैं, तो आई गेट टू सी दीज। और ये सब वॉचेस देख के एक ही चीज माइंड में आती है, घर जाएंगा उसमें। और रिसर्च करने के बाद मुझे इन सेलिब्रिटीज के कुछ पोस्ट दिखे एंड आई गॉट टू नो, आपको अच्छी वॉचेस, अच्छी विंटेज वॉचेस या फिर लग्जरियस वॉचेस को परचेस करने के लिए ज़्यादा पैसा खर्चा करना नहीं पड़ता। लास्ट व्लॉग में जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि मुझे एक वॉच रिसीव करने जाना था एस्प्लेनेड, अब मैं उसी वॉच की अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगा कि कौन सी वॉच है। सो दिस इज़ द वॉच दैट वी परचेस्ड, ये कैशियो का वॉच है विच इज़ अ विंटेज सीरीज एंड इसको अभी अनबॉक्स करते हैं। उससे पहले मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ। इट कॉस्ट मी नियर अबाउट 2,695 रुपीज़। भी इसको अनबॉक्स करते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है। सो दिस इज़ द वॉच। उसके अलावा आपको मिलता है मॉडल नंबर लिखा आता है A168 एंड MRP, मैनुअल, ये बिल, उसके साथ ये वारंटी कार्ड। और इस वारंटी कार्ड के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ, इसको स्कैन करके 2 ईयर्स की वारंटी मिलती है, उसमें आप इसको एडिशनल 6 मंथ्स एक्सटेंडेड वारंटी भी अवेल कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन यूज़। तो इन सब चीज़ों को साइड में रखते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द वॉच। सो दिस इज़ द वॉच। इसका मैंने अभी टाइम और ये सब एडजस्ट नहीं किया है, इसको करना है मुझे। ये सेम मॉडल नंबर 168। और आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि क्या अभी बच्चों जैसे ये डिजिटल वॉचेस पहनना है, तो आई मस्ट टेल यू कि ये वाला वॉच 90s में भी बहुत ही फेमस था, अभी भी है, और आने वाले 20 साल भी ये वॉच हमेशा ट्रेंडिंग रहेंगे। तो आप लोग ये मत सोचो कि ये डिजिटल वॉच है तो इसको मैं क्यों खरीदूं। इट इज़ अ विंटेज एडिशन वॉच, इट इज़ गोइंग टू बी इन स्टाइल फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स एज वेल। तो बात अगर आगे करें तो इसमें आपको जो लाइट्स भी मिलते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि इसको दबाओ और लाइट ऑन होके रहती है, नहीं, दिस यू हैव टू प्रेस इट
एंड वंस यू लीव इट द लाइट इज़ गॉन, और आपको मिलते हैं अलार्म, स्टॉपवॉच, एंड यू कैन चेंज द टाइम बाय क्लिकिंग ऑन द लाइट बटन। इसमें आप चेंज कर सकते हो, इसको आप करोगे तो इट इज़ गोइंग टू चेंज द टाइम डेट। तो ऑल इन ऑल ये बहुत ही अच्छी वॉच है, इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो यहीं से, इसको ऊपर करो एंड एडजस्ट एज पर योर रिस्ट साइज। और मैं इसको आपको पहन के भी दिखा देता हूँ। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। मेरी रिस्ट बहुत ही छोटी है एंड उसके कंपैरेटिवली ये ऐसी कुछ दिखती है। तो इससे पहले मैंने ये वाला वॉच लिया था, दिस इज़ अ कैशियो एंटाइसर वॉच। दिस कॉस्ट मी नियर अबाउट 4,200 रुपीज़। इट इज़ नियर अबाउट अ मंथ ओल्ड और इसको मैंने सिर्फ दो ही बार पहना है। और ये भी मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके। इसमें भी वही सेम डॉक्यूमेंटेशन जो उसमें थे वही वाले हैं। एंड ये वॉच मैंने स्पेसिफिकली ऑर्डर किया था बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट अ गोल्ड डायल वॉच। बट सिर्फ एक ही दिक्कत है कि ये मेरे रिस्ट साइज़ के हिसाब से बहुत ही बड़ा है, जिसकी वजह से फिर मुझे एक छोटी वॉच चाहिए थी। एंड ये इतनी अट्रैक्टिव और प्रीमियम लगती है कि मुझे इसको रिटर्न करने का भी मन नहीं किया। तो आई विल बी गिविंग दिस टू माई फादर, वो ये यूज़ करने वाले हैं एंड मैं वो दूसरा वाला वॉच यूज़ करने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी वॉच है, बहुत ही प्रीमियम लगती है, अगर आप देख सकते हो कैशियो की बैजिंग और सब अच्छा ही है इसमें। तो ऑल इन ऑल दीज आर द टू वॉचेस जो मैंने ख़रीदे, बहुत ही अच्छे वॉचेस हैं, आप भी जाके चेक कर सकते हो। मैं इनके लिंक्स भी ट्राई करूँगा देने के लिए। इसका लिंक तो मुझे पता है बिकॉज आई बॉट इट फ्रॉम अमेजोन, बट इसका लिंक मुझे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये आउट ऑफ स्टॉक रहता है। तो ये मैंने स्टोर से लिया है बट आई स्टिल ट्राई टू फाइंड आउट द लिंक्स, और दोनों मिले तो आप डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक्स भी देख सकते हो। तो गाइज यही था आज का वीडियो, और आप लोग को लग रहा होगा कि मैं व्लॉगिंग चैनल पे ये सब अनबॉक्सिंग वीडियोस क्यों अपलोड कर रहा हूँ। बट द रीज़न बीइंग कि जब मैं भी कुछ चीज़ें खरीदता हूँ या फिर कुछ चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि अच्छे से रिसर्च करूँ कि वो चीज़ें कैसी है, अच्छी है कि नहीं है, फिर उसके बाद आई मेक अप माई माइंड कि हाँ मुझे ये चीज़ों पे इन्वेस्ट करना है। उसी वजह से मैं ये छोटे छोटे अनबॉक्सिंग वीडियो बना के डाल रहा हूँ, ताकि किसी एक बंदे को एटलीस्ट डिसीजन लेने में हेल्प हो जाए कि उसको इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। तो यार इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आगे जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। एंड विद दैट सेड, एज ऑलवेज स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज। जय हिंद, जय जगन्नाथ।